नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन की पिछली 5 फिल्मों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इन दोनों सुपरस्टार में किस सुपरस्टार की फिल्मों ने सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार में आप किसके फैन। तो सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के लास्ट 5 फिल्मों के बारे में, तो दोस्तों उनके लास्ट 5 फिल्में थी गोल्ड, केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज़। दोस्तों अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड रिलीज हुई थी 2018 के 15 अगस्त के मौके पर और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 159 करोड़ रुपये। वही दोस्तों 2019 में होली के मौके पर उनकी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था केसरी, और दोस्तों केसरी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 207 करोड़ रुपये कमाए थे। वही दोस्तों 2019 में ही अक्षय कुमार की एक और फिल्म रिलीज हुई थी 15 अगस्त के मौके पर जिसका नाम था मिशन मंगल, और मिशन मंगल ने वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 290 करोड़ रुपए। वही दोस्तों 2019 में अक्षय कुमार की एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था हाउसफुल 4, जो रिलीज हुई थी दिवाली के मौके पर, और दोस्तों हाउसफुल 4 ने वर्ल्ड वाइड टोटल कमाई की थी 280 करोड़ रुपए की। वही दोस्तों अक्षय कुमार की आखिरी फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी उसका नाम था गुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, साल के एकदम अंत में रिलीज हुई गुड न्यूज फिल्म अक्षय कुमार के करियर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही थी और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड टोटल 381 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी के साथ दोस्तों अक्षय कुमार के लास्ट 5 फिल्मों का टोटल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड हो चुका था 1317 करोड़ रुपए। तो चलिए अब बात करते हैं ऋतिक रोशन के 5 फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों ऋतिक रोशन के पिछले 5 फिल्में थी बैंग बैंग, मोहनजोदारो, काबिल, सुपर 30 और वार। आपको बता दें दोस्तों इन पिछली 5 फिल्मों में ऋतिक रोशन की सिर्फ मोहनजोदारो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही थी, बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफल फिल्में रही थी। अगर बात की जाए इन सभी फिल्मों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी बैंग बैंग फिल्म, जिस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ में थी कैटरीना कैफ, इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 332 करोड़ रुपए की। वही दोस्तों आशुतोष गुवारिकर के डायरेक्शन में बनी मोहनजोदारो फिल्म, जिस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 108 करोड़ रुपए की। वही दोस्तों बात करें अगर काबिल फिल्म के बारे में, तो दोस्तों राकेश रोशन के प्रोडक्शन हाउस में बनी काबिल फिल्म, जिस फिल्म का क्लेश हुआ था शाहरुख खान की फिल्म रईस के साथ। आपको बता दें दोस्तों क्लेश होने के बाद भी काबिल फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में हिट रही थी और इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 155 करोड़ रुपए रहा था। वही दोस्तों अगर बात करें सुपर 30 के बारे में, तो दोस्तों लास्ट ऋतिक रोशन ने कमबैक किया सुपर 30 के साथ और यह फिल्म कंटेंट वाइज काफी शानदार फिल्म थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपरहिट भी रही थी। जी हां दोस्तों आपको बता दें सुपर 30 फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट से टोटल कमाई की थी 209 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें ऋतिक रोशन के आखिरी फिल्म के बारे में, तो दोस्तों ऋतिक रोशन ने 2019 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी जिसका नाम था वार। जी हां दोस्तों आपको बता दें वार फिल्म, जिस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ टाइगर श्रॉफ भी थे, इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में टोटल 475 करोड़ रुपए की कमाई की थी और यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी के साथ दोस्तों ऋतिक रोशन के पिछले 5 फिल्मों ने टोटल वर्ल्ड वाइड कमाई कर ली थी 1279 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों ऋतिक रोशन के 5 फिल्मों ने 1279 करोड़ की कमाई की, वही अक्षय कुमार के लास्ट 5 फिल्मों ने कमाई की है 1317 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों लास्ट 5 फिल्मों के कलेक्शन को जोड़े तो यहां अक्षय कुमार ऋतिक रोशन से काफी आगे रहे, लेकिन दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में इन दोनों सुपरस्टार के कई फिल्में आएगी, उसके बाद देखते हैं कि ऋतिक रोशन नंबर 1 की जगह पे आ पाते हैं या फिर अक्षय कुमार ही नंबर 1 रहेंगे। वैसे दोस्तों आप इन दोनों में से किसके फैन हैं, अक्षय कुमार या ऋतिक रोशन, या फिर आपको मेरी ही तरह ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार दोनों ही पसंद है? अपने पसंद का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और डेली बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।